नहीं आना उधर, नहीं आना मुझे उधर। मेरे को कब से बोलना था ये चीज कि आप फोन फोन में लगे रहते हो। सच में गुस्सा हो गया क्या आप ऐसे यार? अरे ठीक है, गुस्सा हो गया तो ठीक है, मैं क्या बोल सकती हूँ। अब प्रैंक की तो कर रही थी मैं, कौन सा सीरियस का बोल रही थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ नीरज के ऊपर एक और प्रैंक। क्योंकि पिछले प्रैंक वीडियो को प्यार भी मिला था एंड थोड़ी बहुत मुझे डांट भी मिली थी, पर इस बार डांट वाला ऐसा कुछ, उनके इमोशन के साथ खेलने वाला ऐसा कुछ प्रैंक नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ उनके ऊपर फेक फाइट प्रैंक। और ये प्रैंक ना मैं काफ़ी मतलब एक हफ्ते से सोच रही हूँ करूँगी करूँगी करूँगी, बट क्या हो रहा है नीरज के ऊपर ये प्रैंक करने का बेस्ट टाइम होता है या तो दिन में खाना खाने के बाद या तो रात को खाना खाने के बाद, क्योंकि उसी टाइम वो फ्री रहते हैं। और एक हफ्ते से जब से मैं प्लान कर रही हूँ तब से ना क्या हो रहा है, नीरज आ रहे हैं खाना खा रहे, सो रहे, आ रहे फिर सो रहे, ऐसा हो रहा है। मतलब वो प्रैंक करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा आज जैसे भी करूँगी तो उसके लिए पहले ही मुझे कैमरा सेट करके रखना पड़ेगा। तो मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं पहले से सेट करके रखूँगी, ताकि जैसे नीरज आए खाना खुना खाए हम लोग, फिर उसके बाद जब हम लोग बेड पे ऐसे बैठे तब मैं वो प्रैंक करूँ। तो जो प्रैंक होगा उसमें हम लोग हिंदी में बात करेंगे, तो आप लोग सोचोगे कि ये स्क्रिप्टेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। नीरज और मैं ना घर पे हिंदी में ही बात करते हैं, नेपाली में बहुत कम बात करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से हम लोग हिंदी हिंदी में बात करते थे, तो इसलिए अभी भी हम लोग ऐसे हिंदी में बात करते हैं। और ऊपर से तो नीरज अपने मम्मी पापा से भी हिंदी में बात करते हैं, वो नेपाली में बात नहीं करते। ऐसा नहीं उनको नेपाली नहीं आती, आती है। नीरज और मैं तो ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते हैं। तभी पिछली बार जो मैंने मम्मी पापा के साथ प्रैंक किया था, आपने देखा होगा वो जो गाड़ी में हमने फेक फाइट वाला प्रैंक किया था, तभी हमने हिंदी में बोला था। तो कुछ कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये स्क्रिप्टेड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही स्क्रिप्टेड प्रैंक करने का मन नहीं करता, क्योंकि फेक कंटेंट क्यों देना। तो इसलिए देखते हैं, अगर अच्छे से हो गया प्रैंक तो ठीक है, अगर नहीं होगा जो भी रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। मेन चीज ये प्रैंक बनाने का मेरा मोटिव ये भी है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती कि जी जो आपसे लड़ते नहीं, क्या आप दोनों लड़ते हो तो कौन किसको कैसे मनाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम लोग लड़ते कैसे हैं, कौन किसको मनाता है, कैसे मनाता है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, हमारी बहस होती है, पर नीरज ऐसे कि मतलब वो अगर लड़ाई हो भी गई ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी लड़ाई हुई तो वो 24 घंटे के बाद सॉल्व हुआ ना, 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसको सॉल्व कर देते हैं, या तो मना लेते हैं या तो ऐसे हक करके मतलब कुछ ना कुछ करके वो मेरे को मना ही लेते हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई नहीं होती, टच वुड ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आज आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और मेन चीज़ मैं पहले बोल दूंगी, अगर नीरज को मैं कुछ चीज़ सीरियस बोलती भी ना, वो कभी सीरियसली लेते नहीं है, वो हमेशा उसको मजाक में टाल देते ताकि इतना बड़ा इशू ना हो। बट देखते आज मैं टॉपिक उठाने वाली हूँ कि आप मेरे को टाइम नहीं देते, आप मेरे को पहले से प्यार नहीं करते, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं। और बीच बीच में ना मे भी मैं बच्चे जैसा बोलने लगूँ या तो नीरज बच्चे जैसा बोलने लगे, तो आप लोग ये जज मत करना कि ये निब्बा निब्बी है, क्योंकि होते हैं काफ़ी सारे लोग जज करते, पर क्या करेगा इस, हम लोग ऐसे ही है। बोलते हैं ना जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर कपल्स बच्चे बन जाते, तो वैसे ही हमारा सीन है। तो यस, अभी एक्साइटेड हूँ, देखती हूँ क्योंकि अभी नीरज आएंगे, फिर करूंगी प्रैंक। एक्साइटेड है, देखते हैं क्या क्या होता है। तो गैस मैंने यहाँ पर कैमरा सेट कर दिया, और ये ट्राइपॉड ना हमेशा यहीं पे रहता है तो नीरज को शक भी नहीं होगा। एंड मेन चीज़ है कि यहाँ से आप देख सकते हो पूरा ब्लैक ब्लैक है, तो इतना पता नहीं चलेगा, होप सो। देखते हैं अभी क्या होता है। तो प्रैंक स्टार्ट होने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है एंड मैंने अच्छे से देखा भी नहीं, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी वीडियो ऑन किया एंड आके मैं ऐसे बैठ गई थी। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, पर वॉइस में क्लैरिटी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो मेरा फ़ोन था उसमें मैंने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया था ताकि आपको क्लियरली आवाज़ आए। तो ये सब आप प्रैंक इन्जॉय कीजिए। आप मेरे को पहले से प्यार नहीं करते क्या? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता ही नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आजकल तुम मेरे से ज़्यादा अपने फ़ोन के साथ टाइम स्पेंड करते हो। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सच्ची यार, जब भी मैं देखती हूँ, मतलब दिन में भी आते हो फिर फ़ोन चलाते रहते हो, फिर खाना भी खाते हो फ़ोन चलाते रहते हो, फिर ये खाना खाने के बाद आके लेटते हो फिर फ़ोन चलाते हो, मतलब फ़ोन 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 फ़ोन। इस फोन को अच्छा नहीं है ना, चुच्चू करके आता हूँ। तो नीरज गए हैं टॉयलेट, और अभी आके देखते हैं कि क्या करते हैं।
अभी आके वो फ़ोन तो नहीं चलाएंगे, मुझे पता है। अगर चलाए तो फिर मेरे को बहाना मिल जाएगा लड़ने का, अगर नहीं चलाए तो फिर अब वो क्या करेंगे, अगर फ़ोन नहीं चलाएंगे ना मुझे मनाने की कोशिश करेंगे और मैं मानूंगी नहीं। बट अब आप देखना आपके जीजू मुझे कैसे मनाते हैं। किचन में गए, किचन में बताओ, मैंने कुछ पूछा आपको? क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा था आपसे कुछ, बताओ। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कोई किसी और को पसंद करने ऐसे तो नहीं लग गए आप? ये कौन सा टाइम है गुड़ खाने का? बताओ क्या क्या है? थोड़ा सा जमाना आजकल फोन में ही है। अच्छा, कुछ भी नया आता है कुछ पुराना आता है वो देखते हैं। हाँ क्या है कुछ कर, पूरा दिन तो आपके साथ ही तो है। तो मेरे साथ कहाँ है, आप तो दिन भर तो बिजी रहते हो, ठीक है, उधर ड्यूटी उधर उधर उधर, ठीक है। पर जब यहाँ आते हो तो आप फोन चलाते हो। मेरे को काफ़ी टाइम, काफ़ी दिन से मुझे बोलना था ये चीज़ कि मतलब आप ज़्यादा फ़ोन में ज़्यादा, मतलब हाँ है ना, क्योंकि हाँ है ना, क्योंकि पहले मैं नोटिस किया है जब मैं खाना खाता था तो बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाता, फ़ोन नहीं चलाते थे। और मतलब अभी तो ऐसा हो गया, खाना खाते हुए फ़ोन, मतलब फ़ोन फ़ोन इतना हो गया ना, मतलब कि अब मैं भी अकेला सा महसूस करती हूँ। छोड़ो यार, चलाओ फोन, आप एंजॉय करो उनके साथ। मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूं? आपके और आपके फोन के बीच में आने वाले मैं कौन होती हूँ? सो दैट्स व्हाई सबसे पहले तुम आए हो, फोन तो बाद में आया है। कभी भी अपने आप को फोन से कंपेयर मत करना। किससे करूं फिर? या तो यू आर द ओनली वन इन माय लाइफ। फालतू के फेंको मत। नहीं यार मुझे नहीं आना। तुमने नोट नहीं किया? आज नहीं चलाया फोन, मुझे पता है आज नहीं चलाया। बट यूजुअली आप फोन चलाते हो और फिर मतलब ऐसा वो चीज़ मुझे हिट करती है, मतलब यार ऐसा भी क्या, मैं मतलब मैं ऐसा लगता है शादी को एक साल हो गया, मे बी इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा, ऐसा मुझे फील आता है। मर देना बोल, मैं तो मारूंगा ना खींचा के अभी। मुझे नहीं आना, डोंट टच। क्यों नहीं आना मुझे? डोंट टच, तुम्हें आना ही पड़ेगा। डोंट टच मी, डोंट टच मी, बोला हट जा। नहीं, अगर आपके लाइफ में कोई आ भी गई है ना, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब आपको ऐसे कुछ बोलूंगी उस चीज को लेकर के, और ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैं 12 घंटे व्हाट्सएप चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ। यार आपको यार मजाक लग रहा है ना अब, है ना? तो तुम क्यों इतना सीरियस ले रहे हो? तो मैं सीरियस लूंगी ना, मुझे बुरा लगता है। आई एम डैम सीरियस। क्या स्टॉप दिस टॉपिक एंड कम टू इन माय, इन माय क्या? हां बेबी, दिस इज योर प्लेस, प्लीज कम। पर खड़े होके बैठो। नहीं, मैं खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? Heck!
एक्टिंग मत करो फूल, ठीक है? तुम भी एक्टिंग मत करो। क्या एक्टिंग कर रही हूँ मैं? कर तो रही हो। क्या एक्टिंग कर रही हूँ? ऐसे क्यों बोल रही हो? कैसे बोला कि आजकल तुम मुझे वो नहीं करते, ये नहीं करते, तो मुझे फील जो फील होता है तो मैं आपके साथ ही शेयर करूंगी ना, और किसके साथ करूंगी शेयर? कैसी फीलिंग है? क्या कैसी फीलिंग है? आज दिन भर में तुम्हारे साथ था, सुबह भी तुम्हारे साथ था, मेरा लेट गया फिर। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ होते हो मुझे पता है। हाँ। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि होते होते भी कभी कभी ऐसा लगता है आप इधर नहीं हो मेरे साथ। तो मजाक है। क्या है बोलूँ मैं? क्या है? तूने मारा कैसे मुझे? कैसे मारा तूने मुझे? ऐसे मारा है तू? जा मत आता, ऐसे रखा, ऐसे मार दिया और इधर आ जा। बहुत हो गया। हां ठीक है, तेरा भी बहुत हो गया, हट जा। मुझे नहीं रहना तेरे साथ। जन्म जन्म का रिश्ता तुम्हारे के लिए, जन्म जन्म का रिश्ता। एक दूसरे के साथ साथ फिरे लिए हमने, वो कसमें, वो वादे, वो हर चीजें हमने। तुम मेरे को नहीं लगता आप ने जन्म जन्म अब मेरे साथ बिताना है। आपने अपने आप जन्म जन्म अब अपने अपने फोन के साथ बिताना है। जन्म जन्म का रिश्ता है तुम्हारा। मेरा कहने का मतलब ये है बस कि अगर अगर आपको कोई और पसंद भी आ गई है तो ओके ओके चल तू निकल। तूने बोला भाग जा। हाँ तो वो तो बड़ी जल्दी सुन लिया तुमने, जो भी तेरे से बोल रहा हूँ। तो यार मुझे इधर लेटने का मन ही नहीं है। जो ए कम ऑन शट अप। ऐसा करते हैं, आज सुन मेरी बात सुन। आप फोन चलाते हो ना जैसे जैसे खाना खाने के बाद ऐसे रहते हो तो फोन अच्छा दिमाग खराब मत करो अभी तो फोन चलाते हो तो आज ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं? मैं उधर रूम में सोती हूँ, आप इस रूम में सो। अच्छा फिर आप जितना मर्जी रात भर फोन चलाओ चलाते रहो। आपको अच्छा लगेगा। अगले दिन तो हमें इधर ही आना है ना, तो आज के लिए करते हैं ना कि मतलब आज के लिए टेस्ट करते हो, इसलिए मैं उधर सोती आप इधर सो। नहीं मुझे टेस्ट में जो नहीं, बल्कि मेरा फोन कर रख दो। किधर? उधर रूम में। उधर रख दो फोन, मुझे ऑर्डर सुनने दो, उसके बाद उधर रख दो। अभी ऑर्डर भी अभी सुनना है, फिर मैं कुछ बोल रही हूँ तो। चलो ऑर्डर बोलो। बोलो आपका जो बोला हुआ वो फर्स्ट है। आप पहले इधर आ जाओ, आप पहले इधर आ जाओ। मैं नहीं आना उधर, नहीं आना मुझे उधर। क्यों नहीं आना? मुझे ये जगह पसंद नहीं है। अब कौन सी जगह पसंद है फिर? मैं नीचे सो जाऊंगी। कहाँ नीचे? जमीन में। क्यों? मुझे नहीं पसंद। ऐसा क्यों बोल रहे हो आज? आज मुझे, मेरे को कब से बोलना था ये चीज़ कि आप फोन में लगे रहते हो, तो मेरे को ये चीज़ बोलना था। बोल लिया। हाँ बोल लिया, अभी इधर आ जाओ। हट जा, गुस्सा सी होता है, मजाक मतलब। बता जा तेरा ले। क्या है तुझे? क्या है? मेरा हाथ टच मत करना बस, मुझे टच मत करना, मेरे को टच करो बस।
नहीं पसंद कि कोई मुझे टच करे। क्या? कोई टच करे नहीं पसंद मुझे कोई टच करे। अभी तो बहुत रोल बाकी था मेरा, उठ के जाना था, उससे पहले कैमरा देख लिया। फ्रैंक आपको कैसे दिखा कैमरा है? हमारी नजर चारों तरफ है। रिकॉर्ड हो भी रहा है? कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा होगा। ये हो रहा है, मजा आ गया। कैसा लगा प्रैंक? बहुत बेकार। बेकार लगा? पता तुम तो एक्टिंग कर रही थी। हाँ, जितनी भी बातें बोली तो तुमने मन से बोली कि एक्टिंग के लिए बोली? एक्टिंग बोली यार, प्रैंक कर रही थी मैं। मैं तो सीरियसली ही यार, मैं तो दिल में लगी बात। ओ बेचारा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? जरूर मैं। हाँ ऐसा मत करना, मैं प्रैंक कर रही थी तेरे साथ। मैं देखना चाहती थी कि आपका रिएक्शन क्या होता है इस चीज को लेकर के, ऐसा प्रैंक में। मेरा पति मुझे कब से अपने हैंड में बुला रहा था सोने के लिए। कभी होता है ना, क्या होता है कि जब ऐसे गुस्सा हो जाते हैं ऐसे मनाने के लिए, नीरज अपने हाथ में ऐसे बुलाते, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मुझे हाथ में बुला रहे थे सोने के लिए, तो फिर अरे ऐसे मत करना, आ जाना इतना मत दिखाया एटीट्यूड। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट है, चैनल को अनलाइक कर देना। ऐसे मत बोलो, गुच्छा है क्या? सब्सक्राइब है ना, जो मन करे वही करो। सच में गुस्सा हो गया क्या आप ऐसे यार? चलो ठीक है, गुस्सा हो गया तो ठीक है, मैं क्या बोल सकती हूँ। अब प्रैंक की तो कर रही थी मैं, कौन सा सीरियस का बोल रही थी। तो गाइस बाय, सब्सक्राइब अब हो गया।